नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है 11th क्लास की हिस्ट्री की किताब का। यहाँ पे टाइमलाइन देखेंगे। मैं आपसे बोलूँगा कि चैप्टर को एक लाइन में देखिएगा, तो जो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ओवरऑल चैप्टर्स को कनेक्ट करने के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को एक लाइन में प्रॉपर तरीके से समझने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि लाइन से सारी वीडियोज़ को देखिए। यहाँ पे टाइमलाइन की बात करेंगे। ये टाइमलाइन कब से कब तक की है, 1300 AD से लेके 1700 AD तक। अब आपको समझना यहाँ पे ये पड़ेगा कि ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत हॉलिस्टिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं रखी गई, एक ब्रीफ आइडिया दिया हुआ है। और इस ब्रीफ आइडिया में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आए। इंडिया के कंटेक्स्ट में तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, कुछ हद तक की इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कुछ हल्का फुल्का सुना होगा। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो भी थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, एक बेसिक रीडिंग भी करी है, अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो। इंडिया के रिस्पेक्ट में जो टाइमलाइन यहाँ पे दी है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, लेकिन बाकी रीजन्स के रिस्पेक्ट में जो टाइमलाइन है वो उतनी प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम उन कल्चर्स की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। बहरहाल, जो हम जितना सीख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रीफ टाइम स्पैन में, उतना ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 1300 से लेकर 1700 AD का टाइम पीरियड था, इसमें यूरोप में ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुए। एग्रीकल्चर में चेंजेस हुए, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके लाइफ में चेंजेस आए। बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट्स भी हुए यहाँ पे, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच में यहाँ पे कॉन्टैक्ट बढ़े। कैसे कॉन्टैक्ट बढ़े, तो ऑब्वियसली बात है, ट्रेड बढ़ रहा था तो ट्रेड के साथ कॉन्टैक्ट तो देखो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत सारे इन्वेंशंस हुए साइंटिफिक फील्ड में, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच रहे थे, इन्वेंशंस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच रहे थे। एक कंट्री में अगर किसी चीज़ का इन्वेंशन हुआ, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की फील्ड में कोई डिस्कवरी हुई इंडिया में, तो उसको अरब्स ने अडॉप्ट किया। तो इस प्रकार से इन्वेंशंस, गुड्स और जो जो नई नई इनोवेटिव चीज़ें बन रही थी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही थी। मतलब ग्लोबल कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ रही थी, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा तेज हुआ। जी हाँ, आज की डेट जैसा ग्लोबलाइजेशन नहीं था, बट ग्लोबलाइजेशन उस समय पर भी था जो कि यहाँ पर हो रहा था। लेकिन साथ साथ किंगडम्स के बीच में लड़ाइयाँ भी हो रही थी, लैंड को कंट्रोल करने के लिए, रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए। इस टाइम पीरियड में मिडिवल हिस्ट्री में इंडिया में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत लड़ाइयाँ, ठीक है ना। और केवल इंडिया में लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी, दुनिया भर में जगहों के ऊपर कब्जा करने के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी। इन लड़ाइयों में मेन और वुमेन को अक्सर कर डिस्प्लेस होना पड़ता था, अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी, गुलाम बनना पड़ता था। अगर वो नहीं मरते हैं तो ये होता था, मर गए तो बात ही अलग। मतलब बेसिकली इन सारे फैक्टर्स की वजह से लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट आया। अब वो फैक्टर्स क्या क्या थे, अलग अलग जगहों पे चीज़ें क्या क्या हुई, इनको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप स्पेशली ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी मेरी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होते हैं उनकी PDF मिल जाती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, कभी कभार जब टाइम होता है तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे इंटरेक्ट करता हूँ। चलिए भाई, बात करते हैं टाइमलाइन की। अफ्रीका और यूरोप की टाइमलाइन साथ में पढ़ते हैं। बेसिकली 1300 से लेके 1325 AD तक यूरोप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। तो भाई स्पेन में दो जगहें, एक अल्हैम्ब्रा और दूसरा कैनेडा, ये इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स उभर के सामने आए। अब यूरोपियन हिस्ट्री में, खासकर स्पेन में जो लोग अपनी हिस्ट्री पढ़ते होंगे वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बट मेरे और आपके जैसे लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस जगह की हिस्ट्री का नाम हमने ज़्यादा सुना नहीं है, हमें उस जगह की हिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने अल्हाम्ब्रा और ग्रेनेडा का नाम भी पहली बार सुना होगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इस इन्फॉर्मेशन को बस सुन लीजिए, जितना हो सके डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए। नहीं याद रख पा रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि हर चीज़ नहीं याद रह सकती। ज़्यादातर लोग 20 मिनट बाद इन्फॉर्मेशन को भूल जाएंगे, भूल जाएं तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। 1325 से लेके 1350 AD में क्या हुआ इंपॉर्टेंट अफ्रीका में, तो इजिप्ट में 1348 से लेके 1355 AD के बीच में भयंकर प्लेग आया, बहुत से लोग मर गए यहाँ पे। 1337 से लेके 1453 के बीच में यूरोप में 100 ईयर्स वॉर हुआ इंग्लैंड फ्रांस के बीच में, और एक ब्लैक डेथ नाम का प्लेग फैला था पूरे यूरोप में 1348 AD में। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग थी यूरोप की। फिर 1350 से लेकर 1375 AD में सहारा में पहुंचा इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मोरक्कन एक्सप्लोरर था। टैंजियस नाम का जो शहर है मोरक्को का, बड़ा ही फेमस शहर है, बहुत सारे लोग वहां पे घूमने जाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है, स्कैम वगैरह बहुत होते हैं, ठीक है ना। लेडीज़ को सड़कों वगैरह पे छेड़ा जाता है, जो लोग टूरिज्म वगैरह में, मैं तो देखिए
खैर घूमने फिरने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो अलग अलग सिटीज का क्या टूरिज्म पोटेंशियल है, कहाँ घूमने जा सकते हैं, ये सब मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, कभी कभी इन्फॉर्मेशन बीच में बोल देता हूँ। तो मोरक्को में जो टैंजेस नाम का शहर है वहाँ पे इब्न बतूता का जन्म हुआ था, उसकी मृत्यु हुई थी मराकेश नाम के शहर में। पूरी दुनिया घूमी इसने। घूमने फिरने में आप सोचो 14वीं शताब्दी के शुरुआत में एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जो पूरी दुनिया घूम गया, भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उस समय पे कहाँ घूमना फिरना होता था यार, आज की डेट में तो फ्लाइटें हो गई हैं, वीजा का सिस्टम है, उस समय तो सड़कें इतनी डेंजरस होती थी, जिस इलाके में जा रहे हो वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी होगी कुछ पता नहीं, कहाँ रुकोगे कुछ आइडिया नहीं। तो सहारा को एक्सप्लोर कर रहा था इब्न बतूता इस टाइम पीरियड में। फिर यूरोप में फ्रेंच पीजेंट्स ने प्रोटेस्ट किया हाई टैक्सेस के अगेंस्ट 1358 एडी में। फिर बात करते हैं 1375 से लेके 1400 एडी की। इस समय पे यूरोप में पीजेंट रिवॉल्ट हुआ 1381 में, और जॉफ्रे चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स नाम की एक कंपोजिशन लिखी इंग्लैंड में, इंग्लिश में 1388 में। तो बेसिकली जॉफ्रे चौसर की जो द कैंटरबरी टेल्स हैं ये आज तक फेमस है, तो इस समय में लिखी गई थी 1388 एडी में, और पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटेन में 1381 में। फिर 1425 से लेकर 1450 एडी में क्या हुआ, पोर्तुगीज ने स्लेव ट्रेडिंग शुरू की लगभग 1442 एडी में। फिर 1450 से 1475 एडी में क्या हुआ, तो भाई वेस्ट अफ्रीका में सोंघाई नाम का एक एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ जिसने पूरे सहारा में ट्रेडिंग नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया, और जो पोर्तुगीज एक्सपेडिशंस थे, सेटलमेंट थे, वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे फैले 1471 एडी के बाद। तो ये हुआ, ये तो अफ्रीका की बात हो गई। यूरोप में क्या क्या हुआ, तो यूरोप में पहली प्रिंटेड बुक सामने आई, ओके, लियोनार्डो डा विंसी 1452 to 1519। देखिए लियोनार्डो डा विंसी की जो मोनालिसा है वो आज की डेट में भी पेरिस में आपको म्यूजियम में टंगी हुई नजर आएगी। तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक लियोनार्डो डा विंसी की, जो कि पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, इटली में एक्टिव थे 1452 से लेकर 1519 एडी में, इनकी एक पहली प्रिंटेड बुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर 1475 से 1500 एडी में क्या हुआ, तो अफ्रीका में पोर्तुगीज कन्वर्ट द किंग ऑफ बोकोंगो टू क्रिश्चियनिटी, तो बोकोंगो का जो राजा था उसने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। यूरोप में क्या हुआ, इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी एस्टैब्लिश की गई 1485 एडी में। फिर 1500 से लेके 1525 एडी में क्या हुआ, तो अफ्रीका में जो अफ्रीकन स्लेव्स थे इनको अमेरिका ले जाना जाना शुरू किया गया 1510। ये जो स्लेव ट्रेड था ना लगभग 1510 एडी में शुरू हुआ। स्लेव ट्रेड के बारे में आपने सुना होगा, ट्रायंगुलर ट्रेड था ये, ट्रायंगल कौन कौन से इलाकों से गुजरता था नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने आपको पहले समझाया। तो जो अफ्रीकन स्लेव्स थे इनको अफ्रीका से उठा के ले जाया गया अमेरिका 1510 ईडी के लगभग पे काम शुरू हुआ शुगर प्लांटेशंस में काम करने के लिए। आज की डेट में अमेरिका में, यूएसए में ये जो इतनी बड़ी ब्लैक पॉपुलेशन है इसका ओरिजिन यहीं से शुरू हुआ था 1510 ईडी में, जब स्लेव्स को अफ्रीका से ले जाया गया यूएस में गुलाम बना के काम करने के लिए। फिर 1517 ईडी में ओटोमन टर्क्स ने इजिप्ट को कॉन्कर किया। यूरोप में क्या हुआ, तो साउथ अमेरिका की कॉफी यूरोप में पहली बार पी गई 1517 एडी में, और टोबैको, चॉकलेट, टोमेटोस और टर्की को भी इंट्रोड्यूस किया गया यूरोप में, ठीक है ना। कैथोलिक चर्च को मार्टिन ल्यूथर ने रिफॉर्म करने की कोशिश की यूरोप में 1517 एडी में। ऑब्वियसली बात है क्रिश्चियनिटी का जो सेंटर था वो तो यूरोप पे था, वैटिकन सिटी रोम कहाँ पे, यूरोप में। फिर 1525 से लेके 1550 एडी में क्या हुआ, तो 1543 में यूरोप में कोपरनिकस ने थ्योरी प्रोपाउंड की सोलर सिस्टम के बारे में पहली बार, कब, 1543 एडी में। नेक्स्ट बाई 1550 से 1575 एडी के बीच में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, तो यूरोप में विलियम शेक्सपियर एक्टिव थे समय पे 1564 से लेके 1516 का टाइम पीरियड है इनका, ड्रामेटिस्ट थे, बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट थे, आज तक इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। 1575 से लेके 1600 एडी में क्या हुआ, तो ज़ेसेरियस जैनसन ने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया 1590 एडी में। ज़ेसेरियस जैनसन माइक्रोस्कोप आज की डेट में बड़ी बड़ी डिस्कवरीज में बहुत यूजफुल माना जाता है, तो इसकी खोज की गई थी 1590 में। तो यूरोप में आप देख सकते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर 1600 से लेकर 1625 एडी में क्या हुआ, तो अफ्रीका में नाइजीरिया में ओयो किंगडम था, तो ओयो किंगडम अपने ताकत के बिल्कुल जेनिथ में था नाइजीरिया में। यहाँ पे मेटल वर्किंग के बहुत सारे सेंटर सेटअप किए गए थे नाइजीरिया में, तो ओयो किंगडम के बारे में आप कह सकते हो कि जेनिथ पे था इस समय पे, कहाँ पे, 1600 से लेकर 1625 एडी में नाइजीरिया में, अफ्रीका में। यूरोप में क्या हो रहा था, तो भाई स्पेनिश की वन ऑफ द फर्स्ट रिटन नॉवल 1605 एडी में डॉन कॉक्सॉट नाम की छपी, तो
स्पेनिश की वन ऑफ द फर्स्ट नॉवल, इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट नॉवल ऑफ द वर्ल्ड 1605 एडी में डैन क्विक्सॉर्ट नाम की यूरोप में छपी। फिर 1625 एडी से लेकर 1650 में क्या हुआ, तो भाई विलियम हार्मी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ये 1628 एडी में डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। ये थ्योरी का इन्वेंशन कहाँ हुआ, तो यूरोप में हुआ। फिर 1650 से लेकर 1675 एडी में क्या हुआ, तो पोर्तुगीज ने 1662 एडी में डिस्ट्रॉय कर दिया कॉन्गो किंगडम को। और यूरोप में किंग ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1638 टू 1715 कौन थे, लुईस 14। ठीक है, तो लुई 14, लुई जो किंग की रेंज थी वो फ्रांस में लंबे समय तक रही है। लुई 14 फ्रांस के किंग 1638 से 1715 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे के ये बताओ, वो कौन सा लुई किंग था जिसको गिलिटीन किया गया था। गिलिटीन का मतलब समझते हो कि पब्लिक एग्जीक्यूशन, पूरी पब्लिक के बीच में ले जाया गया, उसको एक खूंटे के नीचे बिठाया गया, उसकी गर्दन उड़ा दी गई। कौन सा लुई किंग था जिसकी गर्दन उड़ाई गई थी, उसकी वाइफ की भी गर्दन उड़ा दी गई थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, उस लुई किंग का नाम बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी है। फिर 1675 से लेकर 1700 एडी पीटर द ग्रेट एक्टिव थे यूरोप में। ये रशिया को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। इनका टाइम पीरियड था 1682 टू 1725 एडी, 1675 से लेकर 1700 के टाइम पीरियड में यूरोप में ये इंपॉर्टेंट हो रहा था। तो ये तो बात की हमने यूरोप की और अफ्रीका की, अब हम बात करेंगे एशिया की और साउथ एशिया की। ठीक है भाई, साउथ एशिया में ऑब्वियस ही बात है इंडिया के बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं। तो भाई 1325 से लेकर 1350 एडी, 1325 से लेकर 1350 एडी में साउथ एशिया में एस्टैब्लिश हुआ विजयनगर एम्पायर। 1336 एडी कृष्णदेवराया विजयनगर एम्पायर, बहुत ढंग से मैंने आपको पढ़ाया है पहले। ठीक है, 1336 एडी में विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई। 1350 से लेकर 1375 एडी में एशिया में इंपॉर्टेंट क्या हुआ, तो मिंग डायनेस्टी इन चाइना प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई 1368 ऑनवर्ड्स। फिर 1400 से लेकर 1425 एडी तो रीजनल सल्तनत्स इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बननी शुरू हुई। कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बननी शुरू हुई, मेरे में मीडिवल के लेक्चर्स देखो आप। फिर 1450 से लेकर 1475 एडी में क्या हुआ, तो कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर ओटोमन टर्क्स ने कब्जा कर लिया 1453 एडी। मुझे आज की डेट में आपको ये पताना नहीं चढ़ना चाहिए कि कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है। कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटीन अम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। जब बाइजेंटीन अम्पायर दो भागों में टूट गया, वेस्टर्न रोमन अम्पायर और ईस्टर्न रोमन अम्पायर, बेसिकली रोमन अम्पायर जब दो भागों में टूट गया, वेस्टर्न रोमन अम्पायर ईस्टर्न रोमन अम्पायर, तो जो ईस्टर्न रोमन अम्पायर की कैपिटल थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल। आज की डेट में इस शहर का नाम है इस्तांबुल। ठीक है, ओटोमन टर्क्स ने इस्तांबुल के ऊपर या फिर कह लीजिए कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर 1453 एडी में कब्जा किया था। फिर 1475 एडी से लेके 1500 एडी इसमें 1498 में पहुंचा वास्को डिगामा इंडिया। ठीक है भाई, 1500 से लेके 1525 एडी में क्या हुआ, तो पोर्तुगीज की एंट्री हुई चाइना में। ठीक है ना, ड्रिवन आउट टू मकाओ 1522 एडी, मतलब चाइना के अंदर पोर्तुगीज की एंट्री हुई, वहां के जो राजा थे उनको भगा के कहां भेज दिया गया, मकाओ भेज दिया गया। ठीक है भाई, फिर 1525 से लेके 1550 एडी, अच्छा एक मिनट, पोर्तुगीज की एंट्री हुई चाइना में और चाइना के लोगों ने पोर्तुगीज को रेजिस्ट किया और ओवरऑल पोर्तुगीज को पगाओ भगा दिया। मैंने शायद गलती से चाइना का राजा बोल दिया, तो ये ओवरऑल एक फंक्शनिंग है 1500 से लेके 1525 एडी में एशिया में। 1525 से लेके 1550 में क्या किया, बाबर ने मुगल कंट्रोल स्थापित किया नॉर्थ इंडिया में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी। बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और बैटल ऑफ खानवा किन दो लीडर्स के बीच में हुआ था ये भी नीचे, किन दो खेमे के बीच में हुआ था ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, कब हुआ बैटल ऑफ खानवा और किन दो लीडर्स के बीच में हुआ, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के बताओ, सर्च मार के नहीं, विकिपीडिया पे देख के तो सभी बता देंगे। फिर नेक्स्ट 1550 से लेके 1575 एडी में क्या किया, अकबर ने मुगल रूल को कंसोलिडेट किया। अकबर ने लगभग 50 सालों तक यहाँ पे राज किया 1556 से लेके 1605 और मुगल एम्पायर को प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश किया। 1575 से लेके 1600 एडी में एशिया में क्या हुआ, तो पहला काबुकी प्ले स्टेज किया गया जापान में 1586 में। फिर शाह अब्बास नाम का एक रूलर था पर्शिया में जो कि 1587 से 1629 के टाइम पीरियड में एक्टिव था। इसने यूरोपियन मेथड्स ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग को अडॉप्ट किया। तो भाई पर्शिया में शाह अब्बास ने 1587 से लेकर 1629 तक जिसका रूल था उसने यूरोपियन मेथड्स में मिलिट्री ट्रेनिंग को अपने रूल में अडॉप्ट किया।
1600 से लेके 1625 एडी में क्या हुआ, तो तोकोगावा शोगुनेट नाम की एक जो डायनेस्टी थी वो एस्टैब्लिश हुई कहाँ पे, जापान के अंदर 1603 में, और इंडिया में एस्टैब्लिश हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। फिर 1625 से लेके 1650 एडी तक क्या हुआ, तो भाई ऑल यूरोपियन ट्रेडर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ डच फॉरबिडन टू ट्रेड विद जापान। तो भैया जापान के साथ 1637 एडी में केवल डच ही ट्रेड कर सकते थे, बाकी यूरोपियन ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर सकते थे। मांचू रूल हुआ चाइना में 1644 ऑनवर्ड्स, जो कि लगभग 300 साल तक चलेगा मांचू रूल इन चाइना, ठीक है ना। चाइनीज टी और सिल्क की जो डिमांड थी वो यूरोप में बढ़ रही थी। 1625 से लेके 1650 एडी में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ, ताजमहल का कंस्ट्रक्शन चला है 1632 से लेके 1653 एडी तक, ठीक है भाई। तो ये हमने ओवरऑल कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखी। फिर बात करते हैं आखिरी सेट, बेसिकली अमेरिकास और ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक पे। 1300 से लेके 1325 एडी में अमेरिकास में क्या हुआ, तो भाई मैक्सिको में टेनो चिटिलेल नाम की जगह है, वहाँ पे एस्टेक कैपिटल थी, तो भाई एस्टेक कैपिटल थी टेनो चिटिलेल नाम की जगह पे मैक्सिको में 1325 एडी में। टेम्पल्स बनाए गए, इरीगेशन सिस्टम्स को डेवलप किया गया, अकाउंटिंग सिस्टम जिसका नाम था क्यूपू इसको डेवलप किया गया। फिर 1450 से लेके 1475 एडीज में इनकाज ने पेरू के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया 1465 एडी में, 1465 एडी में। 1475 से लेके 1500 एडी में जो कोलंबस था वो वेस्ट इंडीज पहुंचा, कब पहुंचा था, 1492 एडी में। फिर भाई 1500 से लेके 1525 एडी में स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट हुआ किसका, मैक्सिको का, 1521 एडी के लगभग की बात है। ये तो हमने बात की अमेरिकास की। राइट साइड का कॉलम किसका है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक आइलैंड का। तो पैसिफिक ओशन 1519 में मैगलिन एक स्पेनिश नेविगेटर था, वो पैसिफिक ओशन में यहाँ पे पहुंचा। बेसिकली अब आप समझो पैसिफिक ओशन में समझना पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात थी। क्यों बड़ी बात थी, देखो जो भी यूरोप से निकलेगा ठीक है ना, वो वेस्ट में जाएगा तो अटलांटिक ओशन पहुंचेगा। अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके ज्यादातर यूएस पहुंच सकता है, कनाडा पहुंच सकता है, ब्राजील पहुंच सकता है, वेस्ट इंडीज पहुंच सकता है। जो अफ्रीका के साउदर्न लिमिट को, केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके इंडियन ओशन में पहुंचेगा, वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचेगा, चाइना तक पहुंचेगा, इंडिया तक पहुंचेगा। बेसिकली चाइना तो मैंने गलत बोल दिया, चाइना तक पहुंचने के लिए जाना पड़ेगा पैसिफिक ओशन में। तो बेसिकली यूरोप से जो भी कॉन्करर्स निकल रहे थे, एक्सप्लोरर्स निकल रहे थे, वो या तो अटलांटिक ओशन में पहुंचेंगे या फिर इंडियन ओशन में पहुंचेंगे, और यही दो ओशन को क्रॉस करना अपने आप में एक बड़ी चीज थी। तो पैसिफिक ओशन पहुंच पाना बड़ी बात हो जाती थी, इसीलिए पैसिफिक ओशन पहुंचने वाले मैगलन स्पेनिश नेविगेटर के टाइम पीरियड को यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया 1519 एडी। चूंकि स्पेन से निकला हुआ आदमी या तो अटलांटिक ओशन में घूमेगा और बहुत ट्रेवल करने के बाद कहां पहुंचेगा, इंडियन ओशन में पहुंचेगा। ये दो ओशंस के कंटेक्स्ट को अगर आप क्रॉस करो वेस्ट या ईस्ट में, तब जाके कहीं पैसिफिक ओशन में एंट्री मारोगे, उस समय पे बड़ी बात थी, ठीक है। आज की डेट में तो खैर आम बात हो गई है। 1525 से लेके 1550 एडी में जो फ्रेंच एक्सप्लोरर्स थे वो कनाडा पहुंचे 1534 एडी में। 1550 से लेके 1575 टाइम पीरियड में पेरू के ऊपर स्पेनियों ने कब्जा कर लिया 1572 एडी के लगभग की बात है। फिर 1575 से लेके 1600 एडी के टाइम पीरियड में डच सेलर्स गलती से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंचना इनका टारगेट नहीं था बट ये पहुंच गए। 1600 से लेके 1625 एडी में इंग्लैंड ने अपनी पहली कॉलोनी सेटअप की नॉर्थ अमेरिका में 1607 एडी में, और जो पहले स्लेव्स थे वो वेस्ट अफ्रीका से वर्जीनिया लाए गए 1619 एडी में, ठीक है ना भाई। ये तो हुआ अमेरिकाज में, और पैसिफिक में क्या हुआ, तो तहीती नाम की जगह पहुंचे स्पेनिश सेलर 1606 एडी में। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे सर ये तहेती है कहाँ, तो ये फ्रेंच पॉलिनेशिया में है। फ्रेंच पॉलिनेशिया कह लीजिए तो मतलब यहाँ पे जो न्यूजीलैंड आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे फ्रेंच पॉलिनेशिया में कहीं पे आपको तहेती नजर आएगा। पैसिफिक ओशन में पहुंच पड़ता है ये तहेती आपका, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भाई, तो 1625 से लेके 1650 एडी में क्या हुआ, तो डच ने पाया न्यू एम्स्टरडैम, जिसको बाद में बोला गया न्यूयॉर्क 1626 में, और पहली प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की गई मैसाचुसेट्स में 1635 एडी में। पैसिफिक में क्या हुआ, तो जो डच नेविगेटर थे एबल टेस्मैन, ही सेल्ड अराउंड ऑस्ट्रेलिया विदाउट रियलाइजिंग इट, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के पास से निकल गए, इनको पता भी नहीं चला कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और बाद में पहुंचे वैन डायमेन आइलैंड में। वैन डायमेन आइलैंड को बोला गया तस्मानिया, बाद में ये न्यूजीलैंड भी पहुंचे। इनको लगा कि न्यूजीलैंड बहुत बड़ा लैंडमास है, बट एक्चुअली में न्यूजीलैंड बहुत बड़ा लैंडमास नहीं था, बड़ा लैंडमास था ऑस्ट्रेलिया, जिसके बगल से एबल टास्मान निकल गए थे, और जहां पे ये लैंड किए थे वीन डायमंड लैंड पे,
उसको बोला गया तस्मानिया, आज की डेट में भी उसको तस्मानिया बोला जाता है। फिर 1650 से लेके 1675 एडी पहली शुगर प्लांटेशंस को एस्टैब्लिश किया गया वेस्ट इंडीज में 1654 एडी में। फिर 1675 से लेके 1700 एडी, तो इस टाइम पीरियड में मिसिसिपी बेसिन के ऊपर फ्रेंचों ने कब्जा किया और इसका नाम दे दिया लुइसियाना। आज भी यूएस के स्टेट का नाम लुइसियाना है। इसका नाम रखा गया आफ्टर किंग लुई 1682 एडी में लुइसियाना इसको नाम दिया गया। उस समय पे फ्रेंच रूल था यूएस में, आज की डेट में भी स्टेट का नाम लुइसियाना। आप समझ सकते हैं लुइसियाना इसका नाम क्यों है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक आइलैंड के बारे में हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो राइट साइड वाला कॉलम है इसमें बहुत सारे आपको जो कॉलम से खाली नजर आ रहे हैं। ये खाली हमें क्यों नजर आ रहे हैं? चूंकि इसमें रिकॉर्डेड डेट्स ज्यादा है नहीं। इन इलाकों में जो रहने वाले लोग थे ना, वो दूसरे फॉर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते थे, पेंटिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे। पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे दिखाई गई, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक आइलैंड से रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉलम्स यहाँ पे फिल नहीं हुए। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे अपनी वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल हैपनिंग्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। जल्दी ही मैं अगले वीडियो के साथ आपके साथ शामिल होऊंगा, हाजिर होऊंगा। आई होप ये जो छोटे छोटे करके वीडियोस बना के मैं टॉपिक्स आपको समझा रहा हूँ, आपको ज्यादा होलिस्टिकली टॉपिक समझ में आ रहे हैं। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जरूर जाना दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियोस एक्चुअली में पसंद आ रहे हो। ज्वाइन बटन दबा के जाना अगर दबा के जा सको तो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।